बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम लोगों का लेक्चर है, ये जो टॉपिक है वो है ट्रेड सीक्रेट्स। ठीक है, ट्रेड सीक्रेट्स आर यूजली द सीक्रेट्स डैट आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द सक्सेस ऑफ अ कंपनी। ठीक है, आसान जुबान में लिखा, बड़े इंपॉर्टेंट है। दे हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड यूजफुलनेस फॉर द कंपनी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैल्यू रखते हैं। कीपिंग ट्रेड सीक्रेट्स इन द कंप्यूटर साइंस फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन मोर देन वन सॉफ्टवेयर कंपनीज डेवलप द सेम प्रोडक्ट। ठीक है, आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग जो डाटा जो वर्क करते हैं उसको आप कंप्यूटर में सेव रखें, जबकि दूसरी कंपनीज भी ये काम करें। यानी लेट अस सपोज़ अगर एक बंदा वेबसाइट बनाता है तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो उसका बैकअप या जो सोर्स कोड है वो उसके पास रखे। ठीक है, जिस तरह आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड, अगर यहाँ होगा ये देखें, अब ये मैंने लेटर्स को एक फॉर्म बनाया, बल्कि इसकी जगह मैं कुछ दूसरा आपको दिखाता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब ये देखें, ये मैंने बनाया। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ये मैंने बना लिया, ये मेरे पास सेव रहेगा, यानी कोई दूसरा बंदा इसके जैसा फॉर्म नहीं बना सकता, या अलाउ ही नहीं है कि वो बंदा इसको बनाए और सेम टू सेम इस जैसा बनाए। ठीक है, क्योंकि ये मैंने बनाया, इसके ऊपर मैंने वर्क किया, तो इसलिए ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो यहाँ पे वो कहते हैं जी, द कीपिंग ट्रेड सीक्रेट्स इन द कंप्यूटर साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन मोर देन वन सॉफ्टवेयर कंपनीज डेवलप द सेम प्रोडक्ट बट वन ऑफ देम टेक्स लीड। ठीक है, डेफिनेटली आप लोगों को अगर मैं बताऊँ तो डिफरेंट कंपनीज या कोई न्यू प्रोडक्ट आता है ना, तो या कोई न्यू इन्वेंशन आती है, तो बेसिकली वो डिफरेंट कंपनीज को प्रपोजल भेजते हैं, और उनमें से जो बेस्ट वो प्रपोजल होता है, यानी जिसने सबसे बेस्ट आइडिया दिया होता है, जिसने सबसे बेस्ट डिज़ाइन होता है, वो उसको क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मैनी फ्री ई मेल सर्विसज बट व्यू ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट कम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर द अदर। इसका कहने का मतलब है, आप लोग लेटर्स को एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे है गूगल, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखें मेल सर्विसेज। ठीक है, अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये देखें, आप लोगों ने नाम सुना होगा जीमेल का। ठीक है, जीमेल भी होती है, उसके बाद ये आई क्लाउड है, ये एप्पल की है, याहू का भी आपने नाम सुना है, माइक्रोसॉफ्ट की जो है वो भी आपने नाम सुना है, आउटलुक वगैरह। ठीक है, ये देखें, लिखा 12 बेस्ट फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स। यानी बेसिकली बताने का मकसद ये कि हमारे पास जीमेल भी है, याहू, आउटलुक, हॉटमेल, एमएसएन, ये सारी चीज़ें, ये देखें, जिस इनमें से आपने मोस्टली फेमस का नाम सुना है, जैसे जीमेल का नाम सुना हुआ है। ठीक है, दूसरा ये प्रोटोन मेल है, आपने इसके ऊपर नाम नहीं सुना हुआ। ठीक है, इसको अभी देख लेते हैं प्रोटोन मेल क्या होता है। ये देखें, सिक्योर ईमेल, प्रोटोन मेल। ठीक है, आगे और भी है हमारे पास, आउटलुक का भी आप में से मोस्ट ऑफ द ने नाम सुना होगा, हब स्पॉट। ठीक है, और याहू हो गया, ये आई क्लाउड, आई क्लाउड लोग यूज़ नहीं करते। एओएल मेल भी बहुत जो है वो लो है, जीएमएक्स, येंडेक्स, ये येंडेक्स वगैरह भी यूज़ नहीं करते, ये एक्चुअली चाइना में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसी तरह मेल डॉट कॉम, ये भी नहीं इस्तेमाल होता है, लाइकॉस भी नहीं इस्तेमाल होता। बेसिकली बताने का मकसद ये कि हम लोग जो है इनमें को इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि ये डेली लाइफ में हमारे यहाँ पे मौजूद है, हम लोग सिर्फ वही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत फेमस हो। अच्छा, फॉर एग्जांपल, देयर आर मैनी फ्री, उस मैंने एग्जांपल दे दिया आप लोगों को कि कितने टाइप्स की हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा होंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही है, और भी बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन सिर्फ हम फेमस के ऊपर नज़र रखते हैं। ठीक है, आगे है सैबोटेज। सैबोटेज इज़ अ सीरियस अटैक ऑन कंप्यूटर सिस्टम, सम मेलिशियस यूज़र कैन अटैक द सिस्टम वाइल सिटिंग रिमोटली। ठीक है, यानी रिमोटली का मतलब यह है कि वो अपने घर से बैठ के आप लोगों के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, उसको हैक कर सकते हैं और सब कुछ उसके अंदर कर सकते हैं। वन कैन सेंड वायरस विद सम फ्री सॉफ्टवेयर, आप लोगों के पास जो है वो फ्री सॉफ्टवेयर का लिंक आएगा, आप लोग उसे ओपन करेंगे और वहाँ से वायरस कंप्यूटर में आ जाएगा। अब वायरस, वायरस क्या होता है, वायरस जो होता है बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जो कि कंप्यूटर के प्रोग्राम को, उसकी वर्किंग को जो है वो सारा डिस्ट्रॉय कर देती है। अब वायरस इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन विद नेगेटिव इंटेंशन। ठीक है, जो कि नेगेटिव इंटेंशन का मतलब होता है गलत इंटेंशन से। अब डेफिनेटली कंप्यूटर को आप सही पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, गलत पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह उसको इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो बेसिकली आप कंप्यूटर में कोड लिख रहे होते हैं, कंप्यूटर को ये नहीं पता होता कि ये एक अच्छा कोड है या ये एक बुरा कोड। ठीक है, तो इसी तरह आप लोगों के पास जो है, अब जो बंदा बना रहा है कोड, वो उसकी इंटेंशन गलत हो गई तो वो बना रहा है।
इट कैन चेंज या डिस्ट्रॉय एन इन्फॉर्मेशन और सेबोटेज या प्रीशियस डाटा, तो ये को लॉस कर सकता है हमारे लिए, ये नुकसानदेह हो सकता है। यहाँ पे उन्होंने वर्ड मेलिशियस यूज़र का वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब होता है एक अननोन यूज़र, एक हैकर, वो बंदा जिसको आप अलाउ नहीं करते और वो आप लोगों के सिस्टम को क्या कर लेता है, एक्सेस कर लेता है। अच्छा जी, तो ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में बात हो जाए, आप लोगों को इसकी एग्जांपल देते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, बल्कि नहीं है, एक सेकेंड, यहाँ नहीं, आप यहाँ पे देखिएगा। PITP IT है, ठीक है। तो ये देखिएगा, यहाँ पे आती है इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को ये जो है दिखा रहा हूँ वेबसाइट, ये देखें लिखा PITB ने, यानी एक इदारा है पंजाब का, नादरा डेटाबेस और 200 मिलियन यूज़र्स हैक, यानी नादरा, नादरा का मतलब है जहाँ पे हमारे CNIC, आपके जो वालदैन के जो है वो CNICs होते हैं, आप लोगों के बेफॉर्म होते हैं, तो ये सारा हैक हो गया था। बिगेस्ट इंफॉर्मेशन ब्रीच इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 2011 में, इच्छा जी इन्होंने किया। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पोस्ट, इसका मतलब क्या है, ये नहीं बताना है क्यों चाह रहे हैं, आइडेंटिफाई ऑल लीक्ड डाटा सोर्स, यानी आप लोगों को सैबोटेज की एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि नाजा का डाटाबेस हैक हो चुका है, करंट डाटा एक्सेस स्टेट, आइडेंटिफाई हाउ वाइड स्प्रेड इट इज़ बाय नाउ, इज इट अ PITB सब्सिडरी और एनी अदर गवर्नमेंट बॉडी, डज इट हैव नाजा डाटा इन्वॉल्वमेंट। बेसिकली वो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, यहाँ पे वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो डाटा हैक हुआ है, हुआ किसकी वजह से, यानी इसके पीछे रीज़न क्या है, कॉज क्या। आप देखें, आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को कहा जाता है कि जी आपने सिर्फ ये एक एप्लीकेशन या ये गेम या ये आपने चलाना है और आप सिर्फ उसी को चलाते हैं, लेकिन अगर लेटर्स पर कोई ईमेल, कोई ऐप या कुछ इस तरह की एडवर्टीजमेंट आती है, आप लोग उसे ओपन करते हैं, तो उससे होता क्या, बेसिकली एक अननोन एप्लीकेशन आप लोगों के सिस्टम में, मोबाइल में, कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाती है और वो क्या के सिस्टम को इफेक्ट करती है। तो यहाँ पर वो जो कह रहे हैं जो हैक हुआ, ये हुआ किसकी वजह से, करंट डाटा एक्सेस स्टेट, एक्चुअली होता क्या है, जब एक वेबसाइट के ऊपर एक लिमिट से बहुत ज़्यादा डाटा आ जाए तो वो वेबसाइट क्रैश कर जाती है, हैक कर देती है, तो उस वजह से भी हो जाता है। और जब वेबसाइट क्रैश कर जाती है तो फिर बहुत इजीली हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस करने का मतलब ये उसको बहुत ईजीली हैक किया जा सकता है। आइडेंटिफाई हाउ वाइड स्प्रेड इट इज़ बाय नाउ, ठीक है, यही वजह है कि आप लोगों ने अक्सर देखा है कि फेसबुक वगैरह हैक नहीं होती है। अदरवाइज मैं आप लोगों को बता दूँ, 2011-2012 में जब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं, जो लिस्टर हैं, वो डेफिनेटली बहुत छोटे होंगे, तो तब फेसबुक जो है बहुत इजीली हैक हो जाती थी, ठीक है, यानी फेसबुक के अंदर बहुत थोड़ा सा, यानी इस यहाँ URL के अंदर कोड लिखते थे और वो इजीली हम हैक कर लेते होते थे। तो यहाँ पे उसने कुछ एग्जांपल दी है सैबोटेज की, कि किस तरह हमारा जो डाटा है वो हैक हो रहा है, किस तरह जो है वो ईजीली हो सकता है, कुछ उन्होंने एग्जाम्पल दी। उन्होंने कहा आइडेंटिफाई मेजर लीक्स या डीलर्स, ठीक है, हम लोगों ने कुछ उसकी एग्जाम्पल देखी है, यानी मेन रीज़न निकाल ली हैं, रिकमेंडेशन आई है, और फिर लीक्ड डाटा इन्फो जो है, लीक्ड डाटा इन्फो, इसको आप लोग रहन दें, ठीक है। ये अगेन एक वेबसाइट है, ठीक है, ये देखें, ये कोरोना केसेस को, इसको आप लोग फारिग करें। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, गवर्नमेंट ऑफिशियल इन पंजाब एलिगेडली सोल्ड नाजरा रिपोर्ट, ठीक है, यानी गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने नाजरा का डाटा बेच दिया, कॉल एंड पुलिस डाटा ऑफ पाकिस्तान सिटीजन, जो कि हमारा ऑफिशियल डाटा था, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने उसकी अपडेट दी है और ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, नाजरा डाटा ऑल नेटवर्क सिम डाटा एंड ऑल टाइप्स ऑफ डाटा अवेलेबल। ये उन्होंने कुछ उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए, ये दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पर अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों को ईजीली डाटा मिल सकता है, ठीक है, पुलिस, ठीक है, तो ये आप लोगों को बताने का ये मकसद, ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने क्या करना है, ये सैबोटेज की ये देखें गिनिंग नहीं, 1 2 3 4, और ये एक वर्ड है, ठीक है, ये 4 लाइंस हैं और ये हमारे पास ट्रेड सीक्रेट्स जो हैं। यहाँ पे बेसिकली ट्रेड सीक्रेट्स में अगर मैं जनरल बताऊँ ना, तो जो भी हम वर्क करते हैं ऑफिस वर्क, आप लोग देखते हैं डिफरेंट कंपनीज में उन्होंने कंप्यूटर के बंदे बिठाए होते हैं,
तो बेसिकली ट्रेड सीक्रेट्स पे होता है कि वो सारा जो हमारा कंप्यूटर का वर्क है, जो सारी हमारी डिटेल होती है कंप्यूटर के अंदर सेव होती है, तो वो बेसिकली हम लोग सेव रखते हैं ताकि हमें फ्यूचर में अगर कोई इशू हो तो हम लोग उसको जो है रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको बड़े डिटेल में पढ़ना है, अगर कोई इशू हो, कोई कंसेप्ट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा ताकि आप लोगों को उसका आंसर किया जा सके। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, खुदा हाफिज़।